भारत सरकार के द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद वाहन चालकों की शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल का असर अब रायबरेली जिले में देखने को लगा है। ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रायबरेली जनपद में विभिन्न कंपनियों के कुल 104 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन अचानक देर शाम से जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले 100-150 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, वह अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने लगे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हड़ताल के चलते पेट्रोल टैंकर आने में कुछ दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है। पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल व डीजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आरपी शुक्ला मेरा नाम है। ये लोगों को रूमर है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, व्यवस्था कर रखी है। पेट्रोल डीजल हमारे पास पर्याप्त है और दूसरा हमारा लोड आ भी रहा है, इसलिए कोई डरने की और चिंता की बात नहीं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।